हड़ताली का तीज शिवपुराण की कथा में एक बात कही थी, हड़ताली का तीज का फुलेरा जहां जहां बंदे अपने आसपास के 5 घरों में जाकर या 5 स्थान पर जाकर उस फुलेरे का दर्शन करना चाहिए, भगवान झोली भरकर प्रदान कर देता है। वो फुलेरा साधारण नहीं है। 18 तारीख को हड़ताली का तीज है, उस हड़ताली का तीज के दिन आपके नगर में जहां फुलेरा बंदे माताएं जहां पूजन करे वहां दिल से जल जारी स्मरण करे, आप 5 फुलेरे का दर्शन कर कर आइए। 5 फुलेरे का हम तो शंकर भाऊ से कहेंगे प्रयास करना, शंकर भाऊ से हम तो कह सकते हैं कि 18 तारीख को 1 फुलेरा थोड़ा ऊंचा इस पे मेरे शंकर पर भी लगवा दें, प्रयास करो। आपके यहाँ तो फूल भी बड़े सुंदर सुंदर आते हैं, हमारे यहाँ तो एक ही फूल बड़ा भारी है, वो ब्यूटीफुल शंकर है। जब फुलेरा बंधे 18 तारीख को जब कथा चले तो उस पर भी एक फुलेरा बाबा का रहे, मेरे शंभु पर रहे, जिससे पूरा विश्व दर्शन कर कर कृतार्थ हो जाए। कृतार्थ, फुलेरे का दर्शन करना चाहिए। आप हड़ताली का तीज का व्रत नहीं भी करते हो, आप हड़ताली का तीज का व्रत नहीं भी करते, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो हो आप, हमें उससे मतलब नहीं। आप हो तो सनातनी ना, अगर आप शंकर जी का हड़ताली का तीज का व्रत नहीं करते, कोई कहता है हम सतुआ तीज करते, कोई कहता हम वाली तीज करते, कोई कहता हम हरियाली तीज करते, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा निवेदन है आप कोई सी भी तीज करते हो पर हड़ताली का तीज के दिन किसी भी वृक्ष की, 5 वृक्ष की भी अगर पत्ती का स्पर्श या फूल आपने शंकर जी के मंदिर में या जहां पर फुलेरा बंधा है, जिस घर में हड़ताली का तीज हो रही है वहां पर अगर समर्पित भी कर दिया तो वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला होता है। हड़ताली का तीज का दर्शन अवश्य करें, भले आप व्रत करें ना करें। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, ये जरूरी नहीं कि ये लेडीजों का त्यौहार, ना 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 ना, लेडीजों का त्यौहार नहीं, हड़ताली का तीज तो सबके लिए, बच्चों से लेकर बड़े तक के लिए। तुम जो कामना कर कर 5 फुलेरे का दर्शन करो, लिख कर रखना कि अगले साल वो तुमने पाया कि नहीं पाया, उसका सुख तुम्हें मिला कि नहीं।